नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में आए भीषण जल सैलाब में चल रहे सर्च ऑपरेशन में अभी तक तपोवन सुरंग से 6 और रैणी गांव से 7 शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं लापता हुए 206 लोगों में से 51 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिसके साथ बाकी 153 लोगों की तलाश अब भी जारी है। इस बात को लेकर चमोली जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि मृतकों के परिजनों को सूचित करके बुलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शवों के पोस्टमार्टम के लिए कुल 3 टीमें घटनास्थल पर लगाई गई हैं। चमोली से संवाददाता उदित नैनवाल शास्त्री की ये रिपोर्ट। पोस्टमार्टम वगैरह की टीम यहाँ पे लगी हुई है, 3 टीम है पोस्टमार्टम की, और इसके अलावा हमारे साथ हैं, क्योंकि कुछ अगर बाई चांस कोई लाइव रिकवरी किसी की हार्ट बीट चलती हुई मिलती है तो उसके लिए हम लोगों ने 7 एम्बुलेंसेज यहाँ पे रखी, हेलीकॉप्टर भी बल्कि यहाँ पे स्टैंड बाई पे हमने हेलीपैड पे रख रखा है कि इन केस ऑफ लाइव रिकवरी हम एकदम एक सेकेंड के लिए ना करें। श्री आलम सिंह जी हैं, उनके परिजन भी यहाँ पे आ चुके हैं, वो टीवी के निवासी हैं, और दूसरे अनिल नामक व्यक्ति हैं जो कि कालसी के निवासी थे, और अभी भी लगातार रेस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं।